एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए अगेन एक फैशन वीडियो लेकर आई हूँ। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी स्कर्ट के कलेक्शंस। और ये सारी इंडो वेस्टर्न स्कर्ट्स हैं जो आप जिन्हें आप बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में वेयर कर सकते हैं। और ये एक रीयूज आइडिया भी है, हाउ टू रीयूज योर ओल्ड क्लोथ इन अ डिफरेंट डिफरेंट वे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप इन स्कर्ट्स को कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में वेयर कर सकते हैं। और मेरी भी जो पिक्चर्स हैं मैं वो भी साइड में अपलोड कर दूंगी, और उसी के साथ साथ आपको जो कुछ आइडियाज के लिए पिक्चर्स हैं वो भी डाल दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिए। मेरे पास पता है बहुत सारी स्कर्ट्स हैं। कुछ स्कर्ट्स ऐसी हैं जो मैंने स्टिच कराई हैं, कुछ स्कर्ट ऐसी हैं जो मेरे सब कपड़ों पर चलती हैं, बहुत सारी ड्रेसेस ऐसी हैं जिन पर वो स्कर्ट्स चलती हैं, सूट करती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। और बहुत सी स्कर्ट ऐसी हैं जो मैंने पूरी पूरी ड्रेसेस ली थी बट उसके बाद मैं उनके साथ ब्लाउज, कुर्ती, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें स्टिच करा चुकी हूँ अपने बुटीक से, जो बहुत ही अच्छा एक आइडिया है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे आजकल स्कर्ट का बहुत ज़्यादा फैशन है। तो इस वीडियो को ज़्यादा आगे ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फर्स्ट स्कर्ट, जो है सिल्क की स्कर्ट। और ये एक जरी में स्कर्ट है, और ये मैंने पूरा पेयर स्टिच कराया था। बट उसके बाद इसको आप बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से वेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर कुर्ती, ब्लाउज, केप, कुछ भी पहन सकते हैं, और ये बहुत प्यारी लगेगी। और मैं आपको आइडियाज भी देती रहूंगी, तो आप पूरी वीडियो देखना। देखिए ये है स्कर्ट, और ये मेरी एक जरी की स्कर्ट है। आप देख सकते हैं इस पे कितना अच्छा। और ये पता है मेरे को, आई थिंक मुझे इस वाली स्कर्ट को 2 इयर्स हो चुके हैं, मुझे इस वाली 2 से भी ज्यादा हो गए होंगे, आई थिंक ना 2.5 हो गए होंगे, 2.5 साल हो गए होंगे आई थिंक स्कर्ट को ना। और इस पे पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, और ये गोल्डन कलर की स्कर्ट है। ये मैंने ना लाइक इसको ना क्रॉप टॉप और स्कर्ट की तरह वेयर करा था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं पिक्चर अपलोड कर दूंगी यहाँ पर। और इसके साथ साथ कि आप इस स्कर्ट को ना कितने स्टाइल में पहन सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। और ये वाली स्कर्ट बहुत ही प्यारी है। और आपके पास ना इस टाइप की स्कर्ट्स होनी चाहिए कि आप इनको, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं जाती हूँ ना, तो मेरी ना एक मटेरियल वाली शॉप है जहाँ से ना मैं मटेरियल लेकर किसी भी स्कर्ट, रैंडम स्कर्ट के साथ कोई भी कुर्ती लेकर उसको स्टिच करा लेती हूँ, और वो बहुत ही प्यारा सा लुक देती है। और ना ये एक रीयूज आइडिया है कि आप अपने पुराने क्लोथ्स को कैसे रीयूज कर सकते हो। डालूंगी फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्कर्ट की। और ये मेरी प्लेन स्कर्ट है, ये मेरी ऑल ओवर कपड़ों पर मैच करती है, बहुत प्यारी लगती है। और इसको मैं बहुत पहन चुकी हूँ, पता नहीं कितने कपड़ों के साथ। इसकी तो मैं अपनी पिक्स निकालने चलूँ तो पता नहीं कितनी पिक्स लगा दूंगी। और ये है मेरी रेड कलर की प्लेन स्कर्ट, और ये भी अगेन सिल्क में है, और ये मेरी 7 इयर्स पुरानी तो होगी, ज़्यादा भी हो तो कुछ बोल नहीं सकते। और ये है रेड कलर की बिल्कुल प्लेन स्कर्ट, और ये भी ऊपर से हुक में है। और इसके साथ मैंने इतनी सारी ड्रेसेस, मतलब इतनी सारी चीज़ें वेयर करी हैं। इसके साथ आप साइड स्लिट पहन सकते हैं, फ्रंट स्लिट पहन सकते हैं, क्रॉप टॉप पहन सकते हैं। और मैं अपनी पिक्चर्स भी अपलोड करूंगी जिसमें मैंने साइड स्लिट पहना है इसके साथ, मैंने कुर्ती पहनी है इसके साथ, मैंने छोटा टॉप बोल सकते हैं वो पहना है इसके साथ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें पहनी होंगी। मैं पिक्चर्स ढूंढूंगी और इसकी आपके साथ ना पिक्चर्स भी लगा दूंगी। ये स्कर्ट बहुत सुंदर सी स्कर्ट है, और अगेन इसके अंदर केनकेन लगी है, तो बहुत ज़्यादा फ्लफी लुक तो नहीं देती लेकिन थोड़ा बहुत फ्लफी देती है, और उससे ये स्कर्ट बहुत प्यारी लगती है। ये रही मेरी स्कर्ट। फिर इसके बाद बात करती हूँ मेरी नेक्स्ट स्कर्ट, जो है मेरी जूट स्कर्ट, गोल्डन प्रिंट है जूट की स्कर्ट पर। और एक 4-5 साल पहले इस जूट की स्कर्ट का बहुत ज़्यादा फैशन आया था, और मैंने जो इसके साथ ड्रेस पहनी थी वो फ्रंट स्लिट पहनी थी, और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस थी वो मेरी। और ये गोल्डन कलर में स्कर्ट है, और इसके साथ मैंने इस स्कर्ट के साथ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें वेयर करी हैं, देख सकते हैं आप, ये सारा गोल्डन प्रिंट है।
और इसमें कुछ फ्लावर्स बन रहे हैं। और मैंने एक लास्ट टू दो साल पहले करवा चौथ पे मैंने इसके साथ एक केप स्टिच कराया था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और ड्रेस एकदम यूनिक लग रही थी, सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस लग रही थी। और ये रहा इसका गोल्डन प्रिंट और इस स्कर्ट को भी मुझे लिए हुए काफी टाइम हो गया है। और ये बेल्ट वाली स्कर्ट है हुक के साथ, काफी लूज थी तो मैंने साइड से स्टिच करा ली थी। और फिर मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट स्कर्ट जो है बिल्कुल प्लेन ऑरेंज कलर की स्कर्ट। और इस वाली स्कर्ट को मैंने अभी तक वेयर नहीं करा है, अभी तक इवन इसके साथ कुछ बनवाया भी नहीं है। और जो मेरी ये वाली स्कर्ट है ना, ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ली थी और रेंडमली ले ली थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लोथ ऐसे थे जिन पर ऑरेंज कलर मैच करता था तो मुझे लगा मुझे ये वाली स्कर्ट ले लेनी चाहिए। एक मेरे पास ऐसे में ही ना ग्रीन कलर की स्कर्ट और है बट वो अभी मेरे पास नहीं है। मुझे जब मैं दीदी के यहाँ गई थी ना शादी में तो वो स्कर्ट आई थिंक उनके घर रह गई थी और अभी तक वो मुझे नहीं मिली है। और वो वाली ड्रेस को भी आप लोगों ने बहुत लाइक किया था, इवन मैंने व्हाट्सएप पे पिक्स लगाई थी तो वो ड्रेस भी सबको मेरी बहुत पसंद आई थी। तो ये उसी स्कर्ट के साथ मैंने ये वाली स्कर्ट भी परचेज करी थी और इसके यहाँ बॉर्डर लाइन पर ये ऑरेंज कलर की टेपिंग लगी है और केन केन वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट अंदर ये इनर है इसके एंड दैट्स इट, इस पर किन के नहीं है। लेकिन अगर कुछ ड्रेस में ऐसी स्टिच कराती हूँ कि मुझे थोड़ी फ्लफी स्कर्ट की जरूरत होगी तो मैं आई एम श्योर इसमें किन केन लगवा लूंगी। बहुत सारी स्कर्ट्स ऐसी भी हैं, जो रेड स्कर्ट दिखाई थी जब मैंने ड्रेस परचेज करी थी तो इसकी स्कर्ट के अंदर भी किन केन नहीं लगी थी बट मैंने फिर उसके अंदर किन केन लगवा ली थी। ये रही मेरी स्कर्ट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्कर्ट की और ये मेरी फेवरेट है, ये मैंने बुटीक से स्टिच कराई थी और ना इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सी स्टोरी है, मैं पिक शेयर करूंगी। मैं ना ये वाली जब ड्रेस लाई थी ना तो बुटीक से मैंने ये स्टिच कराई थी तो ये ना मेरे को उन्होंने ना अपर दिया, मतलब उन्होंने ना मेरे को एक अपर दिया जो कि अनस्टिच था, सेमी स्टिच था कि आप घर जाकर ना अपना ये अपर दिखा लो। और ना वो वेलवेट का अपर था और उसपे यहाँ पर ना हैंडवर्क हो रहा था और इतना प्यारा लग रहा था जब मैं घर लेकर आई ना कि मम्मा देखो ये कितना अच्छा आइडिया है ना, इसके नीचे वो बोल रहे हैं मैं ऐसे ऐसे स्कर्ट बनाऊंगा और इसके साथ बनारसी दुपट्टा, वो सब कुछ खुद करके देंगे और देखो उन्होंने ना पसंद करने के लिए दिया। तो मेरी मम्मी ने बोली ये क्या लाई है तू, ये पहनेगी, कितनी बेकार लग रही है ये। लेकिन ना मुझे वो बहुत पसंद था और ब्लैक कलर बहुत प्यारा लग रहा था ब्लू के साथ। वो मैंने ड्रेस जब मेरी फुल ड्रेस बन के आई ना तो मेरी मम्मा का रिएक्शन इतनी सुंदर लग रही है, अरे ये तो बिल्कुल बदल गई। तो ये है वो वाली स्कर्ट और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना प्यारा जरी वर्क हो रहा है, पिंक गोल्डन के संग फिरोजी कलर बहुत ही प्यारा लगता है। और मैंने इसके संग वेयर किया था जो मतलब ये पूरा पेयर आया था, ये ब्लैक कलर की वेलवेट की उसके साथ है। और ना मेरी ना और भी जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने अपनी टॉप 5 ड्रेसेस दिखाई हैं, मेरी फेवरेट 5 ड्रेसेस, उनका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी तो आप प्लीज उसको भी चेक कर लीजिए। उसमें मैंने अपनी 5 ड्रेसेस दिखाई हैं जो मुझे बहुत पसंद है और वो सारी ड्रेसेस जो हैं वो हेवी पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं, वेडिंग में पहनी है मैंने कहीं कहीं, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, प्लीज आप जरूर चेक करना। और ये रही वो वाली स्कर्ट और मैंने इसकी भी पूरी ड्रेस वहां पर दिखाई है, ये है स्कर्ट, जरी में स्कर्ट है और इसमें हेवी केन केन लगी है तो ये काफी इसमें केन केन है, इनर भी लगा है। और मैंने ना इसके अंदर कॉटन का लगवाया था कि ना कई बार ऐसा होता है गर्मी में पहनते हैं ना फिर वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता है, तो इसके अंदर क्योंकि मैंने ये स्टिच कराई थी तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसे बनवाना चाहती हूँ, तो मैंने इसको कॉटन का बनवाया था, प्योर कॉटन का, फिर उसके ऊपर लगी है केन केन और देन और ये प्लेट्स के अंदर है, ये आप देख सकते हैं बेल्ट वाली स्कर्ट है यहाँ साइड जिप के साथ।
फिर मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये कुछ गोल्डन मेहरून कलर में स्कर्ट है और ये मेरी एक प्रॉपर पूरी ड्रेस है जो कि मैंने कमलानगर से परचेज करी थी। ये ड्रेस बहुत प्यारी ड्रेस है, सीरियसली बहुत सारे लोगों को मेरी ये वाली ड्रेस बहुत पसंद है। और ये है कुछ ये वाली स्कर्ट। अभी तक बात करूं इस स्कर्ट की, तो मैंने इस स्कर्ट को भी सिर्फ इसके पेयर के साथ ही पहना है। इसके साथ अभी मैंने कुछ भी ऊपर नहीं बनवाया, लेकिन अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि रीयूज करूँ इसको और इसके साथ कुछ स्टिच कराती हूँ। और जब मैं स्टिच कराऊंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैंने क्या बनवाया है। अभी तो फिलहाल ये इस टाइप का है। और मैं पता है क्या सोच रही हूँ, इसके ना नीचे मतलब ये यहाँ पर वो लग रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, आई थिंक इसको वो बोलते हैं टेपिंग लगी है जिससे ये थोड़ा हार्ड रहे। और इसमें ना एक कॉपर कलर है, तो मेरा पता है जब मैंने इसको देखा तो मुझे यही लगता है कि अगर मैं इसके संग कॉपर कलर का कुछ बनवाती हूँ तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत स्मार्ट सा लगेगा। और मैंने ना एक डिफरेंट टाइप का ब्लाउज सोचा है इसके लिए, वो स्टिच कराऊंगी। और मे भी हो सकता है मैं इसको दिवाली पर वेयर करूं, तब जब ये स्टिच हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपनी दो वीडियोस का लिंक भेजूंगी जो इसी से रिलेटेड है, जिसमें मैंने अपनी एक में दिखाई है मैंने अपनी वेड पार्टी वेयर 5 ड्रेसेस और दूसरे में दिखाई है मैंने समर ड्रेसेस दिखाई हैं। तो आप लोग उसको भी चेक करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके और आप मेरे से कनेक्टेड रहें। बाय बाय।